इसीलिए कहते हैं औरतों को सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। झूठे झूठे हो, झूठे है ना, झूठ बोल रहे हो ना आप। गुड मॉर्निंग आप सभी को, नागपंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्मी की वजह से हालत हो रही है बहुत खराब, पसीने से तो पता चल ही रहा होगा। और मेरे पति देव को आज ऑफिस से आने के बाद मटर डाल के मैगी खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे चॉप कर लिया है, अनियन टमाटो और शिमला मिर्च, टमाटर टमाटर और मटर को मैंने, सफल मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। तो चलो चलते हैं बनाते हैं। इस गर्मी फ्राइंग पैन हो चुका है गर्म, हम इसमें डालेंगे चलाते हैं थोड़ा दोस्तों। इधर प्याज को ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा पकाएंगे। अभी थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दूंगी क्योंकि शिमला मिर्च मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद है और मेरे पति देव को भी ज़्यादा नहीं पसंद है, राहुल को भी, तो उसकी वजह से मैं शिमला मिर्च अभी डाल दूंगी जिससे कि वो भुन जाए तो ज़्यादा उसका टेस्ट मैगी में ना आ जाए। तो गर्मी से कैसे क्या हाल है। ये रहे वो फैन, मिल गए फाइनली, आज याद आ गया मुझे। और ये रहे सारे आज के पार्सल्स जो आए हैं, और आज इसका वीडियो भी बनाना है मुझे और मैंने अभी तक नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वो घर पे जो काम चल रहा है उसका इतना खटखट इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना कि उसकी वजह से, साउंड की वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। आज तेरी याद आ गई भाई, हाय। यही मज़ा तो चाहिए था, इतने दिनों से तो क्यों नहीं याद आया भाई, आज अचानक से याद कैसे आ गया मुझे। तुम बहुत टाइम पहले मैंने ये परचेज किया था और इसमें दिखाती हूँ आपको, पता बहुतों को पता होगा इस, ये है, इसमें फैन भी ऑन होता है और आप इसमें मेकअप कर सकते हो और यहाँ से लाइट, ये रहा लाइट, से लाइट ऑन हो जाती है तो आप मेकअप कर लो, और सेकेंड क्लिक में फैन, और चार्जेबल है, ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं भी लेके जाओ यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। ये रहा चार्जिंग। मिक्स करूँगी इसमें थोड़े से नमक, अब इसमें मिक्स करूँगी मैं टमाटर, मैं मैगी मसाला का ये वाला पाउडर थोड़ा सा मिक्स करूँगी जिससे कि मुझे कोई और पाउडर देने की ज़रूरत ना पड़े मसाले। अब इसमें मिक्स करेंगे हम पानी, थोड़ा सा और मिक्स करेंगे क्योंकि सूपी सूपी नूडल्स के लिए तो हमें पानी अच्छी खासी चाहिए ना। इस तरीके से हवा कौन देता है कि मुंह के अंदर घुसा रहे हो आप। खुल जाएगा। अरे खुल भी जाएगा तो ये कोई सिलिकॉन टाइप का, प्लास्टिक टाइप का है ये, अब किचन में गर्मी से बचने के लिए तो ठीक ही है ना। आपने एसी तो नहीं लगवाया हुआ है ना, जो मैं कहूँ खर्चा के नाम पे भागो, बहुत तेज भागो। पेंट कहाँ? मेरे सर पे आपका पेंट देखो। कल तो तुम अपने पति को पलटा दिए क्या? कल अपने पति को तुम पलटा दिए। हम अपने पति को नहीं पलटाए थे, वो खुद ही पलट गए। अब इतनी गर्मी है तो पति बहेंगे भी, देखो बह रहे हैं पति धीरे धीरे। तो बॉईल आ चुका है, हम डालेंगे मैगी में जो ये इनबिल्ट मसाला जो रहता है वो, बचपन में इसको इस पैकेट से निकाल के चाटने में कितना मज़ा आता था ना मसाले को, अभी भी आती है बट वो वाला स्वाद ही नहीं रहा। बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चीज़ डाल दूँ, फिर मैंने कहा यार मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा फिर मैगी में। तो वैसे आप लोग बताना किस किस को नशा है कोल्ड ड्रिंक का, कि कुछ नमकीन खाया कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मैं जैसे मैगी खाया कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पकौड़े खाए फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मतलब कुछ भी। मेरे साथ वही हाल है, ना पीऊँ तो बिल्कुल ना पीऊँ, और जब पीने लगती हूँ तो फिर पता नहीं क्या ही आदत लग जाती है मुझे उस कोल्ड ड्रिंक की। अब मैं मैगी बनाऊँगी, मैगी खाऊँगी और मैं कुछ देर में कोल्ड ड्रिंक जरूर पीऊँगी, और मैं एडवांस रखती हूँ अपने फ्रिज में।
मैगी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आ जाओ आप लोग भी मैगी खा लो। अच्छी बनी मैगी? मैम टेस्टी है। क्या है? टेस्टी। बेटो मैगी अच्छी है? मैगी अच्छी है? खा के बताओगी? अच्छी है? ओके थैंक यू। मेरी बेटो बोल दी तो फिर अब क्या, आप बताइए। आवाज ऐसा नहीं होता, आवाज तेज करके बोलिए। फैन चल रही है ना, तेज करके आवाज में बोलिए। बहुत ही टेस्टी बना है और खाते खाते मन कर रहा है आज का खाना ना खाए, डिनर हम ना करें, सिर्फ यही हम भरपेट खा लें। तो आप समझ ही सकते हो भरपेट आदमी क्या खा सकता है, जब टेस्टी होगा अच्छा होगा तभी खा सकता है। ठीक है फिर आज का डिनर कैंसिल। क्या हुआ? धक्का मार मार के काम कर रहे थे। कुछ ज्यादा ही छुई मुई नहीं बनते हो आप? आए अरे बॉडी का कोई कहां कहीं कहीं पे हड्डी जैसे पैर का ये क्या हड्डी हड्डी बोलो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ऐसा कुछ लड़ाई वाली बात होगी ना मैं कैमरा ऑन कर दिया करूंगी, फिर इनको लगेगा अरे ये तो वीडियो बना रही है, मुझे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है क्या है? मैं तो ऐसे भी लड़ लूंगी फिर भी, चाहे वीडियो ऑन रहे या ऑफ रहे। कल मैं एक इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी और मैं जो मंगलसूत्र पहन रखी थी वो पलट गया, तो मैंने वीडियो बनाते बनाते मैंने कहा हाय मेरे पति पलट गए, तब से ये मुझे टोंट कर रहे हैं कि तुम तो कभी भी अपने पति को पलटा देती हो, है ना? यही बात है ना। फिर मम्मा कैसे खाना बनाएगी? कैसे मम्मा क्या बना रही है? हलवा, सूजी का हलवा। किस चीज का हलवा खा रही बेटू? सूजी का हलवा। नहीं खाना हलवा? क्यों नहीं खाना हलवा? क्यों नहीं खाना बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सभी को, नाग पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2 दिन सेलिब्रेट हो रही है नाग पंचमी, कोई 25 को मना रहा है कोई 26 को। तो अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं ससुराल वालों की तरफ से चलूंगी, तो वहां आज है 26 को और वहां नाग पंचमी के दिन रोटियां नहीं बनती है, तवा नहीं चढ़ता है। तो आप कचौड़ी बनाओ, दाल वाली पूरी बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, बट रोटी मत बनाओ। तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, भिंडी का भुजिया और कचौड़ी और रायता। देख रहे हो हलवा बड़ा भिंडी का भुंजिया बन गया है, अब इसमें पूरी तलेंगे। मैं बना रही हूँ दही वाला रायता। आज थोड़ा लेट हो गई इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। कोई पति देव हम तुम तो क्या कहें, तुम तो पति देव कखनो पलटा देती हो, हाँ हाँ मिलाना पड़ेगा। ये कोई बात होती है? मैं अपनी अपनी ही बुराई कर रही हूँ, मैं लेट उठी हूँ तो इसमें आप हाँ मैं हाँ मिलाओ ना मिलाओ उससे क्या हो जाएगा आपका। अब मुझे सोए हुए छोड़ दिए, इतना ही चालू है। क्या बोले अभी आप? वही बोले तुम तो अब हमको नहीं चाहिए। किसी 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 पापा को किसी कि चाहिए जय गणेश हैप्पी नाग पंचमी। इसको जल्दी आओ, पापा ऑफिस जा रहे ना बेटा, मम्मा के साथ चलना नीचे आप। आजा आजा
जल्दी से रेडी हो जाते फिर नीचे चलेंगे, आ जाओ। इसकी आदत है ये। जय गणेश, बाय बाय। ये होती है किचन की हालत जल्दी 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 करने के चक्कर में। काश लाइफ भी इतनी फास्ट फॉरवर्ड होती ना कि हम चुटकी बजाते और सारे काम हो जाते, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे, बट इतना आसान नहीं होता ना, काम तो टफ होता है। बट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं दिखाना कि भाई मैं अबला नारी हो चुकी हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। यार मेरी ड्यूटी है, मुझे ड्यूटी है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो बस यही सोच के काम हो जाता है। थोड़ा थकान तो होती है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि अकेले बच्चे को हैंडल करना, काम को हैंडल करना, सब चीज़ें उसमें भी एक टाइम पे आपको हर चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा टफ तो हो जाता है, बट इट्स ओके, फैमिली की बात होती है तो हो जाती है। खुद के लिए तो मैं बिस्तर पर से उतर के कुछ ना बनाऊँ, इतना आलसपन आता है, तो परिवार के लिए तो बस ये सोच के ही हो जाता है कि भाई फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे करना है, तो इट्स ओके। मैं और बीटू हो चुके हैं नहा के रेडी, है ना बीटू? रेडी हम दोनों, हम नहा के हो चुके हैं रेडी। और आज है नागपंचमी, तो सुबह मैंने दिखाया ही था कि हमने क्या क्या बनाया है, तो अब लेके बैठे हैं खाने के लिए। ये देखो, कचौड़ी, भिंडी का भुंजिया, हलवा और दही का रायता, फ्रूट्स, उसमें सब कुछ मिक्स है। खाओ, कचौड़ी भी खाओ। झूठे झूठे हो, झूठे है ना, झूठ बोल रहे हो ना आप। दिखाइए क्या लेके आए हैं। ओह माय गॉड, इस 3 साल की शादी में पहली बार है ना, एक बार शायद और लेके आए थे जो बट सावित्री वाला, सबसे पहला बट सावित्री, वो भी इतना वाहियात लेके आए थे। बिंदी, आप तो कहते हो मेरे पे छोटी बिंदी अच्छी लगती है, फिर इतनी बड़ी बिंदी कैसे लेके आ गए आप? थैंक यू। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, सच में मैं एक वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में पहली बार इस तीन अभी है। वाओ क्यूट, सुंदर, मैं सबको मिक्स करके पहनने वाली हूँ। थैंक यू, लव यू, लव यू गोलगप्पू। सावन में ही तुमको प्यार नजर आता, सॉरी। हाँ सावन में ही तो पति पति का दिन तो सावन में ज्यादा होता है ना, तो इसलिए सावन में प्यार आता है। थैंक यू, शक्ल दिखाना। अरे यार अभी नहा धो के आएंगे अच्छा बन के, तब अच्छा बन के आप गंजी पहन के आइएगा, तो गंजी में वीडियो ले आपके साथ।